इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी हाल ही में 17 तारीख को जलगांव जिले के धरन गांव में 1,60,00,000 रुपए की लूट हुई थी। फिल्मी स्टाइल में लूट हुई थी। एक जो कपास के व्यापारी हैं वो एक जाते रहते हैं, सामने से एक कार आती है, वो टक्कर मार देती है, उनकी बहस होने लगती है, फिर वो लोग हथियार निकाल लेते हैं, मिर्ची आंखों में डाल देते हैं, उसके बाद 1,60,00,000 रुपए लूटते हैं और दूसरी कार से फरार हो जाते हैं। नए पुलिस अधीक्षक के आने के बाद अचानक से ऐसा लगता है जैसे चोर जो हैं, लुटेरे डकैत अपराधी, ये उनको सलामी देने के लिए अपने हुनर बताने लगे थे। एसपी साहब जो हैं नए आए तो जरूर हैं लेकिन खिलाड़ी तो पुराने हैं, कोई आज तो एसपी बने नहीं है। उन्होंने तुरंत अपने माता हाथों को जो काम करते हैं, जो पुलिस अधिकारी, एलसीबी के पुलिस अधिकारी, इन सभी को जो मुझे पता चला है, उन्होंने डायरेक्ट ये कह दिया था कि जब तक ये चोरी करने वाले लोग पकड़े नहीं जाए तब तक घर जाने का नहीं। और ये जो चीजें हैं, ये सख्ती बोलिए, लेकिन जब ऐसी सख्ती होती है, जब इस तरीके से एक ऑफिसर अपने अधिकारियों को कहता है, एक हक होता है और एक आदेश ऐसा होता है जिसको मानना ही पड़ता है। और इसका नतीजा ये निकला कि एलसीबी की टीम ने इधर उधर सभी तरफ अपने जासूसों को फैला दिया, सभी तरफ से सूत्रों को निकाला और दो लोगों को पकड़ लिया और उनके साथ लगभग 48,00,000 रुपए भी पकड़े गए हैं। अब आप सोचिए कि पुलिस अगर चाह ले तो क्या नहीं कर सकती। एफआईआर दाखिल झाला आणि लोकल एलसीबी टीम आणि दरंगा पोलीस स्टेशन टीम संयुक्ताने त्यांनी तपास केला। तपास केल्यानंतर दोन आरोपींना अटक करण्यात आलेल्या आहेत। दोन्ही आरोपींचं नाव आहे अनिल उर्फ बंडू वनुदास कोली, वय 32 वर्ष। दुसरा आरोपींचं नाव आहे दर्शन भगवान सोनवणे, वय 29 वर्ष। दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आल्या आणि दोन्ही आरोपींना अटक केल्यानंतर त्यांच्याकडनं आतापर्यंत 48,00,000 रुपये त्यांच्याकडनं जप्त करण्यात आलेलं आहे। ही जे अनिल उर्फ बंडू भगवान कोलीकडनं आधीचा 6 गुन्हा दाखल आहे त्याच्याविरुद्ध आणि दर्शन भगवान सोनवणेच्या विरुद्ध 2 गुन्हा दाखल आहे। अनिल विरुद्ध तर याच्यापूर्वी पण दरोडा, दारूबंदी आणि मारामारीचा गुन्हा दाखल आहे। दर्शन विरुद्ध दरोडासारखा गंभीर गुन्हा दाखल आहे। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जुर्म का नामो निशान मिटाना तो असंभव है क्योंकि रोज साले नए तरीके निकलते रहते हैं, लेकिन पुलिस चाहेगी तो जुर्म को कम जरूर किया जा सकता है। और पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में, एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन में एलसीबी की टीम ने एक अच्छी कार्यवाही करते हुए दो चोरों को तो पकड़ लिया है, बाकी के और 3-4 जो फरार हैं वो भी जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, सारे पैसे भी वापस आ जाएंगे ऐसा पूरा विश्वास है। हालांकि जब पैसा रहता है तो जो उस आदमी के पास होगा वो तो उड़ा ही रहा होगा उसको कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी चोर पकड़े जाएंगे इसकी पूरी आशा है। इस संबंध में एसपी साहब ने हाल ही में एक पत्रकार परिषद दी थी, उस दौरान उन्होंने सारी जानकारियां दी थी कि किस तरीके से चोरी हुई और किस तरीके से उन्होंने दो लोगों को पकड़ा है। हम जलगांव पुलिस का अभिनंदन करते हैं, हम एसपी साहब का अभिनंदन करते हैं। कॉटन कंपनी कॉटन खरीदी ट्रेडिंग कंपनी होते हैं, दररोज इथं ॲक्सिस बँकमधून मोठे पैसे, मोठ्या रक्कम इथं दरणगावकडं त्यांच्या ऑफिसला नेत होत्या आणि तिथं ऑफिसला नेल्यानंतर तिथं शेतकरी आणि त्यांचं जे कोणाला द्यायचं असते तिथं देत होता। अशा जे मेन आरोपी आहे याचा अनिल बंडू कोली त्यांना या गोष्टी मोठ्या मोठ्या पैशा रक्कम घेऊन जाते असे त्यांना एकदा त्यांनी ऑब्झर्व केलं आणि परत 2-4 ऑब्झर्व केल्यानंतर ही नेहमी नेते आता त्यांना समजल्यानंतर ही ऑलरेडी गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमी आणि ह्याच्या डोक्यात ही गोष्टी असल्यामुळे त्यांनी ऑब्झर्व केलं आणि त्यांचं आणखी साथीदारांना जोडून घेतलं आणि एरियामध्ये रेकी केलं कुठे एक्झॅक्टली ही काम करता येईल, रेकी केल्यानंतर ही गुन्हा घडून आणला।